अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे किस तरह हमने OEX ऐप के अंदर, ये जो स्ट्रोशी ऐप, इसके अंदर OEX का एड्रेस लिंक कैसे करना है, आया मेटामास्क का करना है या फिर OEX करना है। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारा जो स्ट्रोशी ऐप है, ठीक है ना। इसमें मैं बता दूँ कुछ इसकी सेटिंग है, फिर चलते हैं इसमें एड्रेस कैसे लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपने क्या करना, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है ना मी, इस पे चले जाना, ठीक है। मैं मी पे चला जाता हूँ। मी पे जाने के बाद अब अपने ये जो जगह जहाँ पे आपके एसिड्स है ना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एसिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितना भी माइन किया होगा वो सारे आपके OEX शो हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिंक एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, जी ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिंक एड्रेस, अब यहाँ पे देखें जिन्होंने न्यू अकाउंट बनाया, जिनका फर्स्ट टाइम, उनके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आपने पहले फंड पासवर्ड सेट करें। इसके लिए आप सिंपली क्लोज पर क्लिक करें। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये फंड पासवर्ड आ जाएगा। अब फर्स्ट में आपने क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड वो है जो जब आपने ऐप बनाई थी या अकाउंट बनाया था तब आपसे एक पासवर्ड मांगा गया था, या फिर वही पासवर्ड जो आप ईमेल और पासवर्ड लगा के ऐप में लॉगिन करते। उसके बाद आपने क्या करना है, एसिड पासवर्ड रखना है और फिर उसी एसिड पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करना है, ठीक है। तो आपका जो एसिड पासवर्ड है ना, ये और ये आपस में मुख्तलिफ हो, ठीक है ना, ये मैच नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो मैंने ये दोनों पासवर्ड सेट करने, पासवर्ड सेट करने के बाद दावा क्या करोगे, कंफर्म कर दो, ठीक है। मैंने कंफर्म कर लिया है। कंफर्म करेंगे तो आपका ये देखे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, मतलब अब आपका पासवर्ड सेट हो चुका, ठीक है। अब हम चले जाएंगे अगेन, हम इधर क्लिक करेंगे तो ये आपका ना इशू करेगा, कहेगा आप सेट करो, ठीक है, क्योंकि हमारा पासवर्ड सेट हो गया है। हम एक बार क्या करेंगे, ऐप को आपने क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद अगेन आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपने वापस उसी जगह चले जाना है जो कि आपका मी वाला ऑप्शन है। मी पे क्लिक करेंगे, अगेन आपने इधर आ जाना है, ठीक है। इधर आने के बाद अब आपने क्या करना है, ये वापस आपका OEX पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ का क्या करना है, जो लिंक एड्रेस है ना, अब आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको वो देखें यहाँ पर नहीं मांगा। अब यहाँ पर जो विड्रा एड्रेस है ना, वो कहाँ से, एसिड पासवर्ड तो वो जो हमने अभी निकाला है। तो इसके लिए आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो मेटामास्क का यूज़ करते हैं, चाहे तो आपने ये जो OEX का अकाउंट बनाया हुआ, ठीक है ना, आप चाहें तो इसका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर ये जो बेहतरीन अप्रोच है वो ये है कि आप OEX का एड्रेस यूज़ करेंगे। इससे क्या फ़ायदा है, जो आप इसमें माइनिंग कर रहे हैं वो भी आपके ऐड हो जाएगी, प्लस आपको जो विड्रा मिलेगा ना वो डायरेक्ट ऐप के अंदर मिलेगा, और आप यहीं से इजीली ट्रेड भी कर पाएंगे, और आपको एक्स्ट्रा 20% जो एयर ड्रॉप है ना वो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह हमने ये अकाउंट बनाना, ये हमने अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ओपन करोगे, ठीक है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अकाउंट साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये ऊपर यहाँ पे देखिए आपका एसिड भी होगा। एसिड में जाने से पहले आप सबसे पहले देख लें इसमें आपको जो मिशन है वो कंप्लीट है। मिशन आपने क्या करना है, ये पांचों को पांचों मिशन जो है ना, ये सारे आपने कंप्लीट कर लेने। इससे क्या होगा, इससे करने से ये आपको जो हब में है ना, आप हब में चले जहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद AGX में, तो AGX में यहाँ पर ये जो आपकी माइनिंग हो रही है ना, ये आपको एक्स्ट्रा से OEX माइन हो रहा है, ठीक है। ऐप से ख़त्म हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा से कोड कोइन माइन हो रहा है, ठीक है, जो कि आपके बाद में रियल में कन्वर्ट होते जैसी बात पे आपको एयरड्रॉप दिया जा सकता है। आपने क्या करना, सिंपली यहाँ पे लॉन्ग टेस्ट नेट इसको क्लिक करके आपने चले जाना यहाँ पे कोर मिनट पे, ठीक है। मैं कोर मिनट पर क्लिक कर लेता हूँ। कोर मिनट पर क्लिक करने के बाद अब आपने जो एड्रेस कॉपी करना है ना, वो यहाँ से OEX, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से कर लें, एड्रेस सेम ही होता है, कोई मुश्किल की बात नहीं, ठीक है। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद रिसीव पर क्लिक कर ले। मैं रिसीव पर क्लिक कर लेता हूँ। रिसीव पर क्लिक करने के बाद ये जो एड्रेस है आप यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं सिंपली से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं, मैं अपनी वर्चुअल मशीन में चला जाता हूं जिसके अंदर मेरा एड्रेस लगा हुआ, ठीक है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी स्टोशी ऐप ओपन कर लें। स्टोशी ऐप ओपन करने के बाद वापस हमने वही अपने स्टेप्स फॉलो करने। अब चले जाएंगे मी के अंदर। मी पर जाने के बाद ये जाएंगे अपनी OEX ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद OEX को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपके सामने ये सारा प्रोसेस लाइव अपने रियल अकाउंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फेक अकाउंट नहीं, कोई किसी और का अकाउंट नहीं, ये मेरा अपना अकाउंट है, क्योंकि तो आपको पता है फेस भी लगता है। मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, लिंक विड्रा एड्रेस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे वही मैं एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा जो अपना फंड पासवर्ड वो सेट कर लेता हूँ। तो फंड पर पासवर्ड लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, OEX लिंक एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल है ना उस पर इन्होंने एक कोड भेजना, ठीक है। मैं सिंपली अपनी जीमेल ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हमने जीमेल ऐप ओपन कर लेनी है। ऐप ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसे रिफ्रेश करना है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ऊपर ना ये स्टोशी की तरफ से आपका आ जाएगा कि आप अपना विड्रा करना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो आपका कोड है इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे अपनी ऐप में आना। ऐप में आने के बाद इसको यहाँ पे आपने ना वही कोड पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे क्लिक करेंगे
तो उसके बाद आपके सामने नहीं है फेस वेरिफिकेशन का, आपने क्या करना, स्टार्ट वेरिफिकेशन करनी, और वही मतलब आपका अकाउंट है तो आप अपने फेस लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे फेस लगा लेता हूँ, तो फेस लगाने के बाद फिर नेक्स्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फेस लगाने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे फेस लगाओगे ना, वेरीफाई होने के बाद आपका गेन इसी जगह आ जाएगा। अभी आपका एड्रेस लिंक नहीं हुआ, बल्कि आप जो है ना वो वेरीफाई हो चुके हो। अब हमने क्या करना, अगेन इस जगह क्लिक करना, ठीक है। इस जगह क्लिक करेंगे, अब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके सामने कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप कन्फर्म करोगे तो आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ये देखिए, OEX विड्रॉ एड्रेस इज़ लिंक सक्सेसफुली। अब आपका क्या होगा, ये जो आपने ऊपर एड्रेस दिया हुआ है ना, ये वाला एड्रेस आपका सक्सेसफुली लग चुका है। अब आपको होगा कि ये बार बार ऑप्शन क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखें, अब मैं अगेन एड्रेस लिंक करना चाहूँ तो अगेन मेरे पर वही ऑप्शन खुल के आ चुका है, अगेन मैं विड्रॉ एड्रेस और रसीद पासवर्ड। ये इसलिए उन्होंने दिया गया कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो आपको लगता है कि आप जो पहले एड्रेस लगाया वो चेंज करना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, उस एड्रेस को चेंज करने के लिए ये आपका पैनल ओपन रखा गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको बंद कर देना चाहिए था, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात, इससे लोगों को अक्सर मिसकन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारा एड्रेस नहीं लगा हुआ और वो बार बार इस पर लगाए जा रहे हैं। और इवन देखा जाए ना, सो तो 50% यूज़र जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, एक बार एड्रेस लिंक हो गया वो दो तीन बार अगेन अगेन ट्राई करेंगे इसी को लगाने के, नहीं यार एड्रेस नहीं आया। और सेकेंड बात, इन्हें यहाँ पर ना एक ऊपर एड्रेस आपका ओल्ड एड्रेस यहाँ पर ऐड करना चाहिए कि आपका पहले एड्रेस ये था और अब आपका एड्रेस ये लगा रहे हैं। इससे भी यही फ़ायदा हो जाता था कि लोगों को पता चल जाए यार पहले मेरा एड्रेस लग चुका, ठीक है। बाकी आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब मेरा जो OEX ऐप ये डिलीट हो जाती है, या फिर मेरे इसका बैकअप की जो वो मतलब मैं भूल जाता हूँ या कहीं मुझसे गुम जाता है, तो उससे फ़ायदा ये कि 27 अप्रैल तक मेरा एड्रेस नया OEX अकाउंट बनाऊंगा, नया एड्रेस जनरेट करूँगा और वो यहाँ पर लगा लूँगा, ठीक है। तो एक बात याद रहे, जिस OEX का आपने यहाँ पर एड्रेस लगाया, चाहे मेटामास्क या OEX ऐप है, उसकी जो फ्रीज की है ना वो हमने बैकअप करके लाजमी लगानी, क्यों, क्योंकि ये जो आपका पैसा आएगा ना, जो भी OEX विड्रॉ होगा, ये आपको मंथली बेस पर उसी वॉलेट के अंदर मिलेगा। जैसे कि कोर मैंने लास्ट ईयर में गेट किया था, तो उसका मुझे हर महीने उस वॉलेट के अंदर पैसे आ रहे हैं, वो मुझे जहाँ से जहाँ कन्फर्म करना पड़ता है फिर रिसीव करना पड़ता है। तो ये बात आप अपने जहन में रख लीजिए कि आपका ये एक टाइम नहीं होगा, बल्कि जो आपका बैकअप किया हुआ है ना, उसने आपने लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। इवन आपके बाकी प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, तो उसमें आप वो वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप उसकी जो बैकअप रिकवरी है ना, उसको अच्छी जगह सेव करके रखें। तो आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।